अफसरों को अब ड्रोन से निपटने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग। कानपुर आईआईटी के तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे ट्रेन। 14 अगस्त तक आतंकियों को ना छोड़ने पर मिला धमकी भरा पत्र। लखनऊ के हनुमान मंदिर और आरएसएस के कार्यालय को उड़ाने की धमकी। लखनऊ के मलिहाबाद के बेतहा नाले में मछली पकड़ने के लिए लगाया गया जाल। जाल में फंसी मछुआरे की मां की शव दी हत्या की तहरीर। पीलीभीत जिले से बारात लेकर जा रहे उत्तराखंड के खतीमा दुल्हा के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बॉर्डर से पुलिस ने लौटाई बारात। सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ 7 लाख का इनामी कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर छुड़ाया था बदमाशों को। मुरादाबाद रामगंगा विहार की रहने वाली हिंदू मुस्लिम महिलाओं के दोस्ती के हुए 31 वर्ष एक ही घर में मनाते हैं ईद और दुर्गा पूजा। लखनऊ के सभी धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी एटीएस और पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। लखनऊ के बूम बॉक्स कैफे के बाहर 2 युवक पर हुआ जानलेवा हमला। एक का अपहरण कर सुल्तानपुर रोड पर फेंका, रिपोर्ट हुई दर्ज। प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर विवाद गहराया। विश्वनाथ गंज के अपना दल के विधायक ने दी पूर्व विधायक को धमकी। यूपी के 55 जिले हुए कोरोना मुक्त। प्रदेश में कुल 719 मरीज सक्रिय। ओलंपिक में मेरठ की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने की गोल की हैट्रिक। इस शानदार प्रदर्शन से मेरठ वासियों में उठी खुशी की लहर। हरदोई के शाहबाद कस्बे में निकाह के दौरान किन्नरों ने किया जमकर हंगामा। किन्नरों ने दूल्हे को उठा ले गए, दोनों परिवार हुए सन। 2015 में कांग्रेस के प्रदर्शन में हुई हिंसा मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा समेत 9 पर आरोप तय। 20 अगस्त को होगी सुनवाई। महोबा जिले में महिला लोकपाल से रेप, साथी लेखपाल ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा में कर्ज वापस मांग रही महिला की हत्या। महिला की सहेली उसके पति और ससुर समेत 4 हुए गिरफ्तार। मेरठ के सोतीगंज में वाहन काटने वाले कबाड़ियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों के पार्ट्स बरामद, दर्जन भर गोदाम सील। झमाझम बारिश से ताज नगरी बनी तालाब, सड़कों पर चली नाव, घरों में भरा पानी। आगरा के दुर्गानगर में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से हुई पिता पुत्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम। बस्ती के भानपुर रुधौली मार्ग पर एटीएम कार्ड ठगी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 सिपाही हुए घायल। 8 फीट नदी का जलस्तर बढ़ने से ब्रज में यमुना ने धरा रौद्र रूप। आगरा मथुरा में बाढ़ का खतरा। गाजियाबाद में डांट से नाराज 11 साल की बच्ची ने अपने ही पिता से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने बच्ची के खिलाफ नहीं लिया कोई एक्शन। बदायूं में भगत सिंह पर नाटक की तैयारी कर रहे छात्र की फांसी लगाने से हुई मौत। घटना के बाद गांव में छाया मातम। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की भूमिका को जमकर सराहा। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को दिए 10 लाख। भराइच में तेंदुए के हमले से 6 वर्षीय मासूम की हुई मौत। पिता ने किया तेंदुए से संघर्ष। लगातार दूसरे ओलंपिक के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। अभिनव बिंद्रा समेत लाखों भारतीयों ने दी बधाई।